आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मखाने से बने ये टेस्टी लड्डू की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत है। एक लड्डू आप खाइए और पूरा दिन एनर्जेटिक रहिए। और ये लड्डू व्रत में भी खाए जा सकते हैं। इतने टेस्टी, इतने हेल्दी हैं कि आप बिना व्रत के भी इन लड्डू को खाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें कोई घी तेल नहीं लिया है। बस उसमें 50 ग्राम मखाने मैं रोस्ट कर लूंगी। कोई घी तेल का हमने अभी इसमें यूज नहीं करना है। इसको धीमी आंच पर ही हमने भूनना है, सिर्फ इतना कि अच्छे कुरकुरे हो जाए। और इस तरह से अगर कोई छिलका अगर रह गया है तो उसे जरूर निकालें, ये लड्डू का टेस्ट खराब कर सकते हैं। अब बस हल्का सा भूनने के बाद उसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। आधा कप नारियल का बुरादा उसी पैन में मैंने ले लिया है और इसको भी धीमी आंच पर ही हमने भूनना है। पैन ऑलरेडी गर्म ही था तो बहुत जल्दी ये भून जाएगा। हल्का गोल्डन कलर आने पर इसको निकाल लेना है। बहुत ज्यादा नहीं हमने इसको रोस्ट करना है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब थोड़ा सा घी, आधी चम्मच घी मैंने पैन में ले लिया है। उसमें बादाम, अखरोट, काजू, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इनको एक बार, और याद रखिए ड्राई फ्रूट्स हमेशा धीमी आंच पर ही हमें फ्राई करने चाहिए। फ्राई करने के बाद इनको मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और अब ये किशमिश को भी, और किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। किशमिश को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, किशमिश को फ्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। अब पिस्ता मैं अलग से इसलिए फ्राई कर रही हूँ, कई बार पिस्ता का छिलका भी अलग होने लगता है जब हम फ्राई करते हैं, तो अगर छिलका अलग होगा तो इसमें पता चल जाएगा, हम उसे अलग कर सकेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए बहुत कम घी में फ्राई हुआ है। अब इसमें हमने एक बड़ी चम्मच और घी डाल दिया है और ये सिंघाड़े का आटा आधा कप ये साथ में ले लिया है। धीमी आंच पर ही इसको भूनना है अच्छी तरह से। उस एक चम्मच घी में ही हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर हो गया है। अब गैस को बंद कर दिया है और एक चम्मच घी उसी पैन में मैंने डालकर, क्योंकि गर्म था पैन और हमने जो आटा भुना था उसी के ऊपर मैंने वो पिघला हुआ घी ले लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स एक मिक्सी के जार में ले लिए हैं, पिस्ता भी ले लिया मैंने, पर किशमिश नहीं लिया। किशमिश को हमने पीसना नहीं है, बस बाकी के ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और इनको दरदरा ही पीस लेना है। अगर आपको ज्यादा मोटे चंक्स पसंद है तो और भी आप इसे मोटा ही रखें। अब ये भी मैंने भुने हुए आटे में ही डाल दिया है और उसी जार में मैंने मखाने भी ले लिया। मखाने का अच्छी तरह से पाउडर मैंने बना लिया है, ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है जब हमने इनको रोस्ट कर लिया है मखाने को, उसके बाद इसका पाउडर बनाना बहुत आसान होता है। अब किशमिश भी मैंने ऐड कर दी है और ये हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर। आधा कप जो हमने नारियल का बुरादा लिया था वो भी ले लिया है। 2/3 कप इसमें मैंने खांड ली है, आप बुरा भी ले सकते हैं या चीनी को पीसकर भी ले सकते हैं। जब भी आप लड्डू बनाए, लड्डू में हो सके तो खांड का ही यूज करें, उससे लड्डू बहुत टेस्टी और करारे बनते हैं। और अब हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अगर घी कम लगे तो उस
घी को मेल्ट करके थोड़ा सा गर्म करके उसमें ऐड करना है। और जब आपको लगे कि अब लड्डू बांध सकते हैं, इस तरह से चेक करें लड्डू की शेप बन पा रही है, बस, तो और घी हमें नहीं चाहिए। तो टोटल इसमें घी लगा है 2/3 कप। अब अच्छी तरह से लड्डू की शेप दें। और नारियल के बुरादे में इस तरह से इसको अच्छी तरह से लपेट दें। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं। मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ आपको। बस इस तरह से नारियल के बुरादे में अच्छी तरह से लपेटते जाएं और लड्डू आपके बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। थैंक यू।